हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी मैं उठ गई हूँ। बाकी आज का मौसम बहुत ही गंदा है। गंदा में बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है और बारिश भी हुई है रात को, ऐसा लग रहा है। और आज तो बहुत ज़्यादा ठंडा भाई। हूँ खाना खाने में, वही रात की सब्जी। अभी रोटियाँ बनाई है मैंने, मतलब बहुत टेस्टी लग रही है मुझे सब्जी। रात को तो बहुत मिर्च लग रही थी, अभी मैंने क्या किया, घी डाला इसमें तो थोड़ा कम हो गई मिर्ची, तो मैं खा लेती हूँ। बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए हैं धोने के लिए, इसलिए हो गया क्योंकि मैं धो ही नहीं रही हूँ। धो इसलिए नहीं रही हूँ कि आज बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है, मतलब हिम्मत नहीं हो रही धोने की कि मैं धो पाऊंगी कि नहीं। मैंने मोमो के लिए आटा गूंदा है क्योंकि मेरा मन कर रहा है आज मोमो खाने का, और होममेड मोमो खाने का। तो मैंने निखिल को बोला है, निखिल पत्ता गोभी और पनीर और गोलगप्पे लेके आना। देखते हो लेके आएगा आज कि नहीं लेके आएगा, या कुछ बहाना लगाएगा। मुझे लगता है निखिल आ गया है। आ गया। देखते हैं लाएगा कि नहीं लाएगा। लाएगा तो ठीक है, नहीं लाएगा तो फिर लग जाएगा बता आप लोगों को, क्योंकि ये एक बोलने पे तो कभी लाता ही नहीं है। पास ये बैलून पड़े थे आंटी के बर्थडे वाले दिन के, तो मैं सोच रही हूँ ये बच्चों को दे देते हो, खुश हो जाएंगे। निखिल भी आ गया है तो क्या हो गया, लोग आ गए, बच्चे आ गए, दे दिए। लड़ाई होना दो तो ही तो मजा आएगा। रिया बस भाग के आ रहे हैं। बस एक बैलून है और कितने सारे बच्चे आ गए यहाँ पे, किसके पास आएगा। गोलू को ओ उसको दे दिया उसने, रहन दे। आज मैं झूठी साबित होगी, निखिल ले आया है पूरा सामान। मुझे पता था ये जानबूझ के लाया है क्योंकि मैं झूठी साबित हो। कितने का लाया ये पाया, 70 का। 70 का क्यों लाया, 30 का हुआ था। चल खा लेंगे, पनीर तो हमारा रोज का ही हो गया। लाया तो एक ट्रे, क्या हाँ ट्रे ले आया वो डिक्की में। और क्या मंगवाया था मैंने, और गोभी लाया हूँ, और कुछ नहीं मंगाया था। गाइस बोला था मैंने कुछ ना कुछ भूलेगा, ये पक्का भूल गया। बोला था उस साथ में खाने चलेंगे यहाँ पे, क्या लेके आता, क्या साथ में चल पड़ेंगे, देखना लेके जाएगा मुझे कि नहीं लेके जाएगा। और लेके आया अमरूद, अमरूद लाया, हाय हाय अमरूद लाए, अमरूद लाए, अमरूद मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं अमरूद। तुम्हारे पास खत्म हो गए थे ना, मैंने सोचा चलो अमरूद ले लेते। कितने चोर के लाया, चोर के नहीं खरीद के लाया हूँ, 3 किलो। 3 किलो बस 100 रुपए के 3 किलो दे रहा था, मैं ले आया। ये लड़का पागल है, 100 रुपए के 3 किलो अमरूद ले आया। बढ़िया दिख रहे थे, अच्छे थे खाने के लायक, बहुत बढ़िया है। फर्स्ट टाइम निखिल बिना मुझसे पूछे, बिना मुझे बोले कि रिचू तेरे को अमरूद ले आऊं, मैं अपनी तरफ से लाया। यार ऐसी चीजें ले आया करना डेली, तभी तो एक्स्ट्रा फूकती है। इसको पैसे फूकने से मेरे बहुत प्रॉब्लम है, मैं कहाँ फूकते यार, काम के लिए करती हूँ। थक गई यार बहुत ज्यादा। चल कोई ना, गोभी है, अमरूद है, और तेरे में मोमोज बनाने के लिए लेके आया हम प्लेट, तो चलो गाइस बनाते हैं मोमो। मोमोज 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 यहाँ पे बन रहे हैं मोमोज, जो कि रिचू बना रही है बहुत अच्छे वाले मोमोज। ये देखिए कितना छोटा सा बनाया है इसने अभी। छोटा इसलिए बनाया है क्योंकि मतलब हमारे पास स्टीमर नहीं है। अच्छा, तो फिर इसमें डूब जाएगा। ओके, तो रिचू बहुत अच्छे से मोमोज बना रही है ऐसे काट के, और ये इसने मसाला तैयार कर लिया है। पनीर वाला भी बनाएंगे एक ना, पनीर डाला है मिक्स करके पागल। अच्छा डाला हुआ पनीर। तो अगर आप लोगों को मोमोज खाने हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं रिचू से, कमेंट कर दीजिए तो ये आपको मोमोज घर तक डिलीवर करवा देगी। एक मोमो 20-35 रुपए का है। तो ठीक है गाइस, मोमोज बन रहे हैं तो हम खाएंगे मस्त मोमोज। सूप भी बनाओगी इसका? सूप ले आओ पीछे से, कर सकते हैं। मेरे को लगा तुम घर पे बनाओगी। हाँ, तो गाइस अभी भी मोमोज बन रहे हैं, तो जब ये बन के तैयार हो जाएंगे ना फिर आपको दिखाऊंगा मैं कैसे बने। तो गाइस स्टीम मोमोज।
तो गाइज मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ रिचू की, जो कि वो मोमोज बना रही है, तो वो बना रही है जुगाड़ करके मोमोज, एक तरीके का जुगाड़ किया हुआ है क्योंकि हमारे पास स्टीमर नहीं है। अगर आप लोग घर पे हो तो आप लोग भी ऐसे जुगाड़ कर सकते हो, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे जुगाड़ किया है। तभी इतने छोटे छोटे मोमो बनाए मैंने, जुगाड़ से बना रही हूँ ना। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, पहले ये देखिए, इसने कढ़ाई में ऐसे पानी गर्म कर लिया है, तो ये स्टीमर वाला वो है प्लेट है। एक और बना दो। हाँ एक और बना दो। तो इस प्लेट को ना हम इसके ऊपर रखेंगे ऐसे, और जो इसकी स्टीम आ रही है इससे फिर ये स्टीम हो जाएंगे। ढक्कन हमारे पास है नहीं, तो इस प्लेट से देंगे। तभी मैंने खाली है, ये प्लेट नहीं है। तभी मैंने सोचा कि पहले छोटे छोटे बनाते हो, अगर ये परफेक्ट आ जाते तो बाकी और बड़े बनाऊंगी। सही है सही है। तो बना रही है रिचू एन बढ़िया से, तो ये बना रही है यहाँ पे रख के। तब तक वेट कर लेते हैं हम, वेट करने के अलावा और कोई काम भी नहीं है, तो वेट कर लेते हैं। गाइस फाइनली यहाँ पे मोमोज बन के तैयार हो चुके हैं। ये देखिए मोमोज कितने अच्छे लग रहे हैं, प्यारे से। और इसने पता नहीं ये क्या बना ली लास्ट में, बच्चे हुए का रोटी बना ली क्या? पापड़ बना लिया लास्ट में बच्चा। एक चीज दिखाता हूँ आपको, अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो ये प्लीज मत कीजिए, क्योंकि ये देखिए कढ़ाई कैसी होगी है हमारी। तो प्लीज स्टीमर लेके ही आप लोग मोमोज बनाइए। दिखने में तो ये बहुत ही अच्छे हैं, बट लेकिन खाने में पता नहीं कैसे हैं, दिखा के बताता हूँ मैं आपको। मार्केट जैसा बिल्कुल टेस्ट है इसका, बल्कि मार्केट से भी बहुत अच्छा टेस्ट है। बट एक थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें आ गई है, वो ये प्रॉब्लम आई है कि जुगाड़ मत कीजिए। अगर स्टीमर मिलता है तो आप खरीद के लिए आइए, 500 रुपए का स्टीमर मिलता है। हमने तो नहीं लेके आ पाए, हम नेक्स्ट वाले में लेके आएंगे। बाकी मोमोज अच्छे से स्टीम हो गया, बढ़िया बन गया, क्यों रिचू? तो गाइस मेरे साथ आज इतना बुरा पोपट हुआ, बुरा पोपट हुआ कि भाई एक डायलॉग नहीं बोला जा रहा था मुझसे। मैंने इसको बोला अपने दोस्तों को बुला के तो दिखाओ, डायलॉग पता है क्या था? अपने दोस्तों को बुला के तो दिखाओ, ये पता क्या बोल रही? चलो चलो ठीक है, मेरा टेक करो। चलो मुझे मतलब तो निखिल ने एक टेक में अपनी वीडियो दे दी, फिर मुझे बोले बेस मेरा डायलॉग कितने बड़े थे निखिल। अभी ना रिचू ने तीन वीडियो बनाई है, मुझे अंदर से ये बोलेगी गाइस हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, ये वो ऐसे ऐसे भी चेंज करने के लिए अंदर देखते हैं कि क्या बोलेगी। क्योंकि अंदर वाले रूम में वो है, देखते हैं क्या बोलेगी। तो गाइस हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई है आज, बहुत ज़्यादा थक गए। बाकी निखिल यहाँ पे बना रहा है, काट रहा है प्याज। और हमने आज कितनी वीडियो बनाई निखिल? 6-7 वीडियो तो हमने बना ही ली आज, मज़ा ही आ गया। निखिल सोच रहा है कि क्या बोलते ऐसा बोलूँगी मैं, क्योंकि मेरे को इसको सब सुनाई दिया कि ये क्या बोल रहा था, बड़बड़ कर रहा था, है निखिल? हंस रहे तो इसके पानी फेर दिया मैंने, इसके क्या बोलना चाह रही हूँ मैं। तो गाइस यहाँ पे बनके तैयार हो चुका है अपना पनीर और चावल थोड़े से गीले कर दिए रिचू ने, और ये हमारा प्याज है, इसको बोलते हैं कांदा। इसको हम इसमें ऐसे काटेंगे, ये है खाना कांदा। बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा है, दिखाता हूँ कि वो कैसे खा रही है, चाट चाट के सब कुछ। कुकर क्यों चाट रही है तू? है कुकर का चाट चाट रही है कुकर, देख अंदर से निकाल। 100 रुपए किलो चावल है, खाऊंगी। अच्छा तभी देखो इसने कढ़ाई भी चाट ली बिल्कुल, थाली भी, और अब ये कुकर की बारी है। फिर थोड़ी देर में कह रही मैं चाकू भी चाटूंगी। तो गाइस जो चावल मैं खा रही हूँ इतने बड़े होते हैं, मैंने खा लिया भी है ना, वरना दिखाती वरना। हाँ ठीक है, तो अभी इसने खा लिया है सब कुछ, ये देखिए, और ये देखिए सब कुछ चाट चूट के एंड मस्त। मैंने इसको धोने की भी जरूरत नहीं है, इनको ऐसे पानी में ऐसे करके रख दो, बस हो गया काम, बस बढ़िया। हंस क्या रही है? सच्चाई।
तो हे गाइस, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, और मिलते हैं हम आपको कल न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नोटिफिकेशन ऑन कर दो गाइस, सब्सक्राइब कर लेना यार प्लीज। ओके अब वीडियो में लेती है तुम्हें से है यार, मजा आता है।